गदा चौक स्थित अंग्रेजी शराब दुकान का अवैध रूप से संचालन अहाता बंद होने से स्थानीय लोगों व आवाजाही करते लोगों ने राहत की सांस ली है। अहाता का संचालन होने से यहां शराब पीने आए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लोग सड़क तक आकर अपने वाहनों में बैठकर शराब पिया करते थे, जिससे सड़क में मजमा लगा रहता था और आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ता था। कुछ दिनों पूर्व भिलाई नगर CSP द्वारा चखना सेंटर में दबिश दी गई थी, इसके बाद इसे बंद करा दिया गया था। बावजूद इसके चखना सेंटर से लगी दूसरी दुकान भी आज भी शराब पीते लोगों को देखा जा सकता है। सुपेला गधा चौक स्थित इस अंग्रेजी शराब दुकान के लगकर के जो अवैध रूप से चखना सेंटर संचालित है, इसमें कुछ दिनों पूर्व भिलाई नगर CSP द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए इस चखना सेंटर को पूरी तरह से बंद करा दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि चखना सेंटर से लगी एक दुकान में अभी भी शराब पी रहे लोगों का अभी सवेरे से लेकर रात तक जमावड़ा लगा रहता है। तो चखना सेंटर के बंद होने से इस क्षेत्र के व्यापारियों यहां से आवाजाही करते लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि चखना सेंटर का संचालन सवेरे से रात तक जारी रहने की वजह से इस मार्ग में खराबियों का पूरी तरह से जमघट लगा रहता था। लोग चखना सेंटर से डिस्पोजल पानी पाउच और चखना लेकर के सड़कों तक आकर के शराब का सेवन किया करते थे। इसके बंद हो जाने से अभी पूरी तरह से आवाजाही सामान्य हो चुकी है। वहीं इस अंग्रेजी शराब दुकान और इससे कुछ मीटर की दूरी पर इसकी देसी शराब दुकानों से को हटाने को लेकर के कुछ दिनों पूर्व यहाँ के स्थानीय समिति द्वारा आबकारी आयुक्त नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया था और लगातार इसके शराब दुकानों के हम को हटाने के लिए लेकर के लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन वगैरह लंबे वक्त से किया जाता रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व आबकारी विभाग द्वारा समिति के सदस्यों को लिखित रूप से लिखकर ये बताया गया कि आबकारी विभाग पूरी तरह से सहमत है इन शराब दुकानों को स्थानांतरित करने के लिए, लेकिन नगर निगम द्वारा इस शराब दुकानों के संचालन को लेकर के अब तक कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा सका, इसकी वजह से शराब दुकानें यथावत है और इनका संचालन किया जा रहा है। इसके लिए समिति सदस्यों द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व ही नए नगर निगम आयुक्त को भी ज्ञापन दिया गया और ये उस तमाम तथ्यों से उन्हें अवगत कराया गया। आबकारी विभाग के लेटर दिखाते हुए यह आयुक्त महोदय से यह आग्रह किया गया कि हमें शराब दुकानों के संचालन को लेकर के कोई ऐसी जगह उपलब्ध कराई जाए जहाँ पे किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति ना हो और लोगों को कोई आपत्ति भी ना हो। लेकिन अब यह प्रकरण चूँकि अभी फिलहाल पेंडिंग में है, लेकिन इस जगह की बात की जाए तो ये जो चखना सेंटर का जो संचालन बंद हुआ उससे लोगों ने राहत की सांस लिए, आवागमन मान्य हो चुका है। हालांकि ये उससे लगकर के लगी दुकानों में अभी भी लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं। आने वाले समय में पुलिस प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।